दिनों भारत में चुनावी सीजन चल रहा है और इसी के साथ साथ दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। पिछले 7 दिनों में 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया है। दल बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर के नेता शामिल हैं। दल बदल का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी दल बदलने की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू जरूर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये समझना जरूरी है कि भारत में दल बदल का आंकड़ा क्या कहता है। दरअसल ये खेल 1960 से 70 में हरियाणा से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये सियासी रोग पूरे भारत में फैला हुआ नजर आ रहा है। 2014 के बाद से नेताओं के दल बदल के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। खबर बताती है कि सांसद विधायक स्तर के 1000 से ज्यादा नेता 2014 से 21 में दल बदलने के खेल में शामिल हुए। इन 7 सालों में सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस से हुआ। 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 399 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 के आसपास थी। सत्ताधारी बीजेपी से भी नेताओं का मोह भंग कम नहीं हुआ। 7 साल में 144 नेता बीजेपी छोड़ दूसरी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। 2014 के बाद भारत में दल बदलने वाले नेताओं में मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता भी शामिल रहे। 2014 से अब तक 8 पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदल चुके हैं। इनमें अशोक चव्हाण हो गए, कैप्टन अमरिंदर हो गए, नारायण राणे का प्रमुख नाम है। वहीं 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी दल बदल के खेल में शामिल हुए हैं। अब बीजेपी नंबर 1 पार्टी कैसे बन गई? क्यों दल बदलू बीजेपी को कहा जा रहा है? दरअसल 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदल नेता बीजेपी में गए। खबर की माने तो 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के करीब 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 से 2023 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल हुआ और इस दरमियान कांग्रेस में सिर्फ 176 दल बदलू नेता शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दल बदलुओं की सबसे पसंदीदा जगह एनडीए की सहयोगी शिवसेना और लोजपा जैसे दल रहे। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने दल बदलुओं को भी पद से खूब नवाजा है। वर्तमान में बीजेपी ने 4 राज्यों की कमान दल बदलू नेताओं को दे रखी है। इनमें चाहे बिहार की बात कर ले, असम, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य शामिल है। बिहार में सम्राट चौधरी की बात कर ले, विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष है। सम्राट ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी, बाद में जेडीयू और हम होते हुए वो बीजेपी में आ गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सारमा भी मूल कांग्रेसी हैं। 2015 में पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। झारखंड की हम बात करें तो झारखंड की कमाल बाबूलाल मरांडी के पास है। मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनकी भी गिनती दल बदलू नेताओं के रूप में होती है। पश्चिम बंगाल में भी दल बदल कर आए शुभेंदु अधिकारी पर भी भरोसा बीजेपी ने जताया। शुभेंदु बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु ने करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां दल बदलू नेताओं की वजह से ही बीजेपी जनाधार बढ़ा पाने में सक्षम हुई है। 2014 के चुनाव में करीब 10 सीटों पर बीजेपी ने दल बदलू नेताओं को टिकट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर दल बदलों की खातिरदारी की। बीजेपी को इसका फायदा मिला और 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी ने सरकार बना ली। चुनाव के बाद यूपी कैबिनेट में भी दल बदलों का दबदबा देखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, रीता बहुगुणा जैसे दल बदलू नेताओं का बड़े विभाग से नवाजा गया। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने के लिए मिली है। 2018 में जब मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 28 कांग्रेस विधायक टूट गए, बीजेपी का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनने में कामयाब हो गई। पश्चिम बंगाल में भी 2019 में दल बदल कर आए नेताओं ने बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई। 2019 में बंगाल से जीते बीजेपी के 30% सांसद दूसरे दल से आए थे। असम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखी गई। दल बदल को लेकर आखिरकार बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्या रहा है? देखिए, चुनाव से पहले नेताओं के पलायन को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार की राजनीति होती है, पार्टी भाई और भतीजेवाद में फंस गई है, इसलिए नेता वहां से इधर आ रहे हैं। बीजेपी ने दल बदलुओं को लेने के लिए कई राज्यों में ज्वाइनिंग कमेटी बना रखी है। कमेटी का काम दूसरे दल के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाना होता है।